सोबत बिगाड़ देती है और खुली छत कबूतरों को बिगाड़ देती है। जुल्म करने वाले इतने बुरे नहीं होते, लेकिन पंचायत सजा ना देकर उनको बिगाड़ देती है। देखिए, पंचायत का एक अपना एक स्थान है कि पंचायत में हम लोग जब भी अपनी पुकार करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो इसलिए रखते हैं कि पंचायत से कोई निर्णय आए। और आप लोग पंच परमेश्वर के हिसाब से इस पंचायत में बैठे हैं और जौनसार भाव का चिंतन मनन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पश्चिमी संस्कृति की आंधी से हम लोगों को बहुत पीछे धकेल दिया है। गांव गांव में उसका प्रचार प्रसार हो गया, लेकिन इस विकट परिस्थिति में आप लोगों ने जिस तरीके से इसको संभाला वो काबिले तारीफ ही नहीं है। एक आप लोगों ने अपने लिए पुण्य भी कमाया है कि आप लोग इतना चिंतन कर रहे हैं। मैं जवान जी केवल इतनी इजाजत आपसे मांगता हूँ, क्योंकि हर तीसरे दिन हम कहीं ना कहीं होते हैं, मैं एक दो बात बोलना चाहता हूँ। और क्योंकि ये पंचायत है, मैं ऐसी बात बोलूंगा जो आज तक कभी भी नहीं बोली, लेकिन उसको अन्यथा मत लेना, क्योंकि वो मेरे, मैं इसलिए चाहता हूँ कि एहसास करा सकता हूँ कि हम लोगों की कितनी बड़ी ताकत है। हम लोग कलाकार हैं, हम लोगों को मालूम है हमारे अंदर दानव भी है और मानव भी है, लेकिन इतनी समझ हमको रहती है कि आंखें भिखारी की है या शिकारी की है। हम लोग अपनी जौनसारी संस्कृति को, क्योंकि संस्कृति का आदमी हूँ, चौहान जी, ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल दिल्ली में आयोजित हुआ 2015 में, और उसके लिए 155 देशों से आवेदन आए। आप लोग बिकी है इस बात से कि वो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें 155 देश आए थे, और 155 देशों के भी कलाकार ही नहीं आए, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर विभाग अध्यक्ष आए। उस कार्यक्रम में हमने भी ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, तो जैसे तैसे, क्योंकि कम समय का भी, इसलिए शॉर्ट में बता चलता हूं कि उसमें सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन मेरा नहीं, वो जौनसारी संस्कृति का हुआ। और जब हम दिल्ली पहुंचे तो हम लोगों को जो दिल्ली में स्टेज बना था वो 7 एकड़ का स्टेज था, उसपे 35,000 कलाकार थे। ये पंचायत है, मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है नीचे ऊपर की, बिल्कुल संख्या फिक्स बता रहा हूं। उसमें हम लोगों को जो मंच था वो आंख के आकार का था, अंडाकार था, और मेरे 400 कलाकारों को, मैं 400 कलाकारों के साथ गया था उत्तराखंड से। जो आंख का कोण होता है, आंख का कोना होता है, उस कोने में मेरी टीम को रिहर्सल में खड़ा कर दिया गया। जब वहां पर रिहर्सल हुई और जब उसका फाइनल प्रदर्शन हुआ, तो देखिए मासु देवता की कृपा और जौनसारी संस्कृति की ताकत कि उस समय हम लोगों को उस मंच के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया। कॉस्मिक रिदम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल दिल्ली 2015, आप इसको सर्च कर सकते हैं, हम वहां पे आपको अभिनय करते हुए दिख जाएंगे। जिस संस्कृति की इतनी बड़ी ताकत है, हम खुद हैरान है कि हमारी संस्कृति को इतना सराहा गया। उन्होंने वो हमारा पराप नृत्य देखा, हमारा तलवार नृत्य देखा, और उसके जीते जागते उदाहरण